स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सिद्धि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 8 यानी चैप्टर नंबर 8, अफोरिज्म 9, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है। इसमें सिंपल सब्सटेंस को एक्सप्लेन किया गया है कि सिंपल सब्सटेंस क्या होता है। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये सिंपल सब्सटेंस पर है, और इसमें हम पढ़ेंगे सर ने सिंपल सब्सटेंस का सर का सिंपल सब्सटेंस से क्या मतलब था, जो अफोरिज्म 9 में ये वर्ड आया है। Aphorism 9. In the हिंदी, और हम लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स ऑन केंट फिलोसफी, यानी डॉक्टर केंट सर की ये फिलोसफी की बुक है, हम उसको पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं आप कौन सी बुक से पढ़ा रही हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ कि कौन से बुक का मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हूँ। Aphorism 9. In the हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन, यानी एक मैन की हेल्दी कंडीशन में, द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स, जो हमारी स्पिरिचुअल यानी स्पिरिट लाइक यानी एक एनर्जी की फॉर्म में, जो हमारी वाइटल फोर्स है, द डायनेमिक्स, जिसको हम डायनेमिक्स भी कह रहे हैं, दैट एनिमेट्स द मटीरियल बॉडी, जो हमारी मटीरियल बॉडी में हर जगह पर होती है, रूल्स विद अनबाउंडेड स्वे, यानी वो रूल करती है बिना किसी रुकावट के, एंड रिटेन्स ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और सभी पार्ट्स जो हैं ऑर्गेनिज्म के उनको रखती है एक एडमायरेबल हारमोनियस वाइटल ऑपरेशन में, यानी एक एडमायर वे में, हारमोनियस मैनर में, वाइटल ऑपरेशन एज रिकार्ड्स बोथ सेंसेशन एंड फंक्शन, दोनों ही सेंसेशन और फंक्शन के में, सो दैट अवर इंडवेलिंग रीजन गिफ्टेड माइंड, जिससे कि हमारा ये जो इतना अच्छा रीजन गिफ्टेड माइंड है, दिमाग है, कैन फ्रीली एम्प्लॉय, वो अपने इस मतलब एनर्जी को या अपने दिमाग को, अपनी समझ को एम्प्लॉय कर सके, यूज कर सके, दिस लिविंग हेल्दी इंस्ट्रूमेंट, ये जो लिविंग हेल्दी इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा ब्रेन है, फॉर द हायर पर्पस ऑफ अवर एग्जिस्टेंस, हमारे एग्जिस्टेंस के हायर पर्पस के लिए। समझ आ गया ये आपको? इसका सिंपल मतलब है कि जो मैन की हेल्दी कंडीशन है, उसमें जो हमारी स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स होती है, यानी जो इमटीरियल है, जो हमें आंखों से नहीं दिख रही है, जो जिसे हम डायनेमिक्स भी कहते हैं, यानी इसमें एक डायनेमिक नेचर होता है, जो पूरी मटीरियल बॉडी को, जो हमें दिख रही है मटीरियल, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, उस मटीरियल बॉडी के अंदर होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर बिना किसी रुकावट के है, एंड पूरे हमारे शरीर के सभी पार्ट्स को एक ऑर्डर में रखे हुए है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को सेंस कर पा रहे हैं, और हमारे सारे फंक्शन एक ऑर्डर में, यानी एक सही तरीके से हो पा रहे हैं, और जो हमारा ब्रेन है वो भी ऑर्डर में है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में जो समझ है उसको हम रीज़न के थ्रू, जो हमारा रीज़न गिफ्टेड माइंड है, माइंड क्या है, माइंड क्या करवाता है, सही और गलत में समझ का जो काम है ये माइंड करता है। आप अपनी समझ से चलते हैं, कुछ भगवान ने नहीं कहा ये सही है ये गलत है, यू आर चूजिंग द राइट एंड रॉन्ग फॉर योरसेल्फ। तो ये जो हमारा माइंड है, इसका हम सही यूज कर सकते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का, लिविंग हेल्दी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने हाईएस्ट पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए, यानी हमें हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है उसको हाईली अचीव करने के लिए। और लक्ष्य का मतलब केवल मैं मेटीरियलिस्टिक लक्ष्य की बात नहीं कर रही हूँ, या पढ़ाई में लक्ष्य की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको स्पिरिचुअल टर्म्स में भी आपको इवॉल्व होने की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं आपकी हर एक्सपेक्ट में आपको अबंडेंट फील कराने की बात कर रही हूँ, यानी हमें जीवन के हर हिस्से में अबंडेंट होना चाहिए, यानी हमारे जीवन के हर हिस्से में खुशी होनी चाहिए। तो वो हमें अपनी रीजन गिफ्टेड माइंड का सही इस्तेमाल करके हमारे जीवन में हमें वो खुशियों को क्रिएट करना है। प्रॉब्लम्स आती हैं, बट आप सही समझ और सूझबूझ और सही डिसीजन से अपने जीवन में खुशियों को क्रिएट करते हैं। दिस पैराग्राफ इंट्रोड्यूसेस द वाइटल प्रिंसिपल, यह पैराग्राफ जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है वाइटल प्रिंसिपल को। अब यहाँ पे प्रिंसिपल की बात कही है, वाइटल मतलब जरूरी, प्रिंसिपल मतलब एक जिस पर कोई चीज आधारित होती है। It would hardly seem possible that Hahnemann in the time he lived could say so much in a few lines. ये बहुत मुश्किल था Hahnemann सर के लिए उस समय कहना इतनी कम lines में। In the 7th section of the first edition of the Organon, Organon के
फर्स्ट एडिशन के 7th सेक्शन में हैनिमेन सर ने लिखा है, देयर मस्ट एग्जिस्ट इन द मेडिसिन, मेडिसिन के अंदर कुछ एग्जिस्ट करता है, अ हीलिंग प्रिंसिपल, कोई हीलिंग प्रिंसिपल, दस द अंडरस्टैंडिंग हैज अ प्रेजेंटीमेंट ऑफ इट। और धीरे धीरे इसकी अंडरस्टैंडिंग को सर ने समझा और प्रेजेंट किया, बट आफ्टर द ऑर्गेनॉन हैड गोन थ्रू अ नंबर ऑफ एडिशंस, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनॉन जो है उसके नंबर ऑफ एडिशंस बढ़ते चले गए, यानी 6th एडिशन आ गया, हैनिमन हैड समवॉट चेंज। तो हैनिमन ने इस बात को चेंज करके कहा एंड इन हिज वर्क, और अपने वर्क में बताया, विच इज़ द 1883 एडिशन, जो कि 1883 का एडिशन था, ही डिस्टिंक्टली कॉल्स अ यूनिट ऑफ एक्शन, उन्होंने इसे कहा एक यूनिट ऑफ एक्शन, एक एक्शन का यूनिट इन द होल ऑर्गेनिज्म, पूरे ऑर्गेनिज्म में एक कोई चीज है जो जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्शन कर रहा है, यानी काम कर रहा है, द वाइटल फोर्स। ये क्या है? द वाइटल फोर्स है, ये कोई फोर्स है। यू गेट द आइडिया फ्रॉम सम ऑफ हिज एक्सप्रेशंस दैट द हार्मनी इटसेल्फ इज ए फोर्स। आप पढ़ेंगे कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि हार्मनी जो है वो अपने आप में एक फोर्स है, बट आई डू नॉट थिंक दैट हैनिमन इंटेंड टू टीच दैट वे। बट केंट सन को ये नहीं लगता है कि हैनिमन सर ने ये कहा है कि हार्मनी कोई फोर्स है। नहीं, वी कैन नॉट कंसिडर द वाइटल प्रिंसिपल एज हार्मोनी। हम वाइटल प्रिंसिपल को हार्मनी नहीं कह सकते हैं, नॉर हार्मनी एज प्रिंसिपल, ना ही हार्मनी को कोई प्रिंसिपल बता सकते हैं। हार्मनी का मतलब होता है हर चीज को शांति रूप में रखना, यानी कहीं पे भी कुछ उतार चढ़ाव नहीं होना, सब कुछ शांतिपूर्ण होना। प्रिंसिपल इज समथिंग दैट इज प्रायर टू हार्मनी, यानी प्रिंसिपल कोई ऐसी चीज है, यानी वाइटल प्रिंसिपल कोई ऐसी चीज है जो हार्मनी से पहले आई, यानी पहले वाइटल प्रिंसिपल आया, फिर हमारी पूरा बॉडी, हमारा शरीर, हमारा माइंड, उसमें हार्मनी क्रिएट हुई। ठीक है, हार्मनी इज द रिजल्ट ऑफ प्रिंसिपल और लॉ। तो इस तरह से हार्मनी जो है वो रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है? किसी प्रिंसिपल का या लॉ का। हैनिमन कुड परसीव दिस इमेटीरियल वाइटल वाइटल प्रिंसिपल। हाई हैनिमन सर ने समझा यह इमेटीरियल वाइटल प्रिंसिपल है क्या? इट वॉज समथिंग ही अराइव्ड एट हिमसेल्फ, यह कुछ ऐसा है जो उन्होंने खुद समझा, फ्रॉम हिज ओन प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, अपनी खुद की समझ से। देयर वॉज पॉजिटिविटी ऑफ इंडिविजुअल आइडियाज एट दैट टाइम, उस समय लोगों की समझ जो थी वो रुकी हुई थी, दैट इज आइडियाज आउटसाइड ऑफ द एक्सेप्टेड साइंस, जैसे कि कोई भी आइडिया जो उस समय साइंस चल रही थी उसके बाहर आता था। बट हैनिमन थॉट मच एंड बाई थिंकिंग, पर हैनिमन सर ने बहुत सोचा और अपनी सोच के द्वारा ही अराइव एट द आइडिया कंटेन्ड इन दिस पैराग्राफ, और उन्होंने ये आइडिया दिया जो इस पैराग्राफ में सर ने समझाया है आगे। विच ओनली अपियर्स इन द लास्ट एडिशन, जो लास्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में अपियर हुआ, इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन, जो जो एक मैन है उसकी जो हेल्दी कंडीशन है, द इमेटीरियल वाइटल प्रिंसिपल एनिमेट्स द मटीरियल बॉडी, जो इमेटीरियल वाइटल प्रिंसिपल होता है वो हमारी एक मटीरियल बॉडी को एनिमेट करता है, यानी वो उसमें होता है, यानी इमेटीरियल वाइटल प्रिंसिपल हमारी मटीरियल बॉडी के अंदर रहता है। इफ वी हैड यूज द वर्ड्स इमेटीरियल वाइटल सब्सटेंस, अगर हम इसकी जगह एक वर्ड यूज करें इमेटीरियल वाइटल सब्सटेंस को, इट वुड हैव बीन इवन स्ट्रॉन्गर फॉर यू, विल सी इट टू बी ट्रू दैट इट इज ए सब्सटेंस। तो आपको समझ आ जाएगा कि ये एक सब्सटेंस है, यानी प्रिंसिपल प्रिंसिपल समझ नहीं आ रहा, ये प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसको आप सब्सटेंस मान लीजिए जो हमारे पूरे शरीर के अंदर है, जिसकी वजह से हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं। एट द प्रेजेंट डे एडवांस थिंकर्स आर स्पीकिंग ऑफ द 4th स्टेट ऑफ मैटर, आजकल सभी लोग जो है 4th स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, विच इज इमेटीरियल सब्सटेंस, जो कि एक इमेटीरियल सब्सटेंस होता है। वी नाउ से दैट, लेकिन अब हम कह सकते हैं,
सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस एंड द रेडिएंट फॉर्म ऑफ मैटर, कि हमारे चार मैटर्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, और फोर्थ जो है वो रेडिएंट फॉर्म ऑफ मैटर है, यानी उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं। सब्सटेंसेस, जैसे हम रेडिएशंस को नहीं देख सकते, आपके घर में, आपके आसपास, आपके फोन से, आपके कंप्यूटर से कितनी सारी रेडिएशंस निकल रही हैं, बट आप उन्हें नहीं देख पाते हैं। तो ये क्या है? फोर्थ जो है रेडिएशन फॉर्म ऑफ मैटर है। सब्सटेंसेस इन सिंपल फॉर्म इज जस्ट एज पॉजिटिवली सब्सटेंस एज मैटर इन कंक्रीट फॉर्म। तो यहाँ पे सर ने बात करी, अगर कोई सब्सटेंस जो है वो एक सिंपल फॉर्म में होता है, वो केवल एक पॉजिटिव सब्सटेंस है, जो मैटर जो है वो एक कंक्रीट फॉर्म में है। जैसे इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे पोटेशियम है, हम पोटेशियम देखते हैं, तो जो प्योर पोटेशियम है वो एक कंक्रीट फॉर्म में एक मैटर है, और ये एक सिंपल सब्सटेंस है। ठीक है, यहाँ पे सर ने इसको ऐसे समझाया है, जो पूरे चैप्टर में आपको सिंपल सब्सटेंस को मैं पूरे अच्छे से समझा दूंगी, अभी इतना परेशान मत होइए, धीरे धीरे चीजें समझ आ जाएंगी। द क्वेश्चन देन कम्स अप फॉर कंसिडरेशन एंड स्टडी, व्हाट इज द वाइटल फोर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वाइटल फोर्स क्या है, व्हाट इज इट्स करेक्टर, उसका करेक्टर कैसा होता है, मतलब उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या एसेंस है, किस तरह का वाइटल फोर्स है, हम किस चीज को वाइटल फोर्स बोलेंगे। इज इट ट्रू दैट मैन ओनली हैज दिस वाइटल फोर्स, क्या ये सच है केवल इंसान के अंदर वाइटल फोर्स होती है। इज इट पोजेस्ड बाय नो एनिमल नो मिनरल, क्या किसी एनिमल और मिनरल में वाइटल फोर्स नहीं है। फॉर ए नंबर ऑफ इयर्स, ये सब क्वेश्चंस है हमारे दिमाग में, फॉर ए नंबर ऑफ इयर्स देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस डिस्कशन ऑफ फोर्स एज फोर्स और पावर टू कंस्ट्रक्ट। बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे सालों से ये एक डिस्कशन का कारण रहा है कि फोर्स को एज फोर्स या पावर माने टू कंस्ट्रक्ट, जो कंस्ट्रक्ट करती है। द थॉट दैट फोर्स हैज नथिंग प्रायर टू इट लीड्स मैन्स माइंड इन टू इंसैनिटी, ये सोच कि फोर्स से पहले कुछ था ही नहीं मैन के माइंड में, ये एक इंसैनिटी यानी पागलपन पैदा करती है, ये लीड करती है एक मैन्स के माइंड को इंसैनिटी में, कि फोर्स से पहले कुछ नहीं था। इफ मैन कैन थिंक ऑफ एनर्जी एज समथिंग, अगर इंसान एक एनर्जी के बारे में सोचता है एज समथिंग सब्सटैंशियल, कि वो कोई चीज जो है वो सब्सटेंस के फॉर्म में है, ही कैन बेटर थिंक ऑफ समथिंग सब्सटैंशियल एज हैविंग एनर्जी, यानी वो फिर ये सोच सकता है कि हर सब्सटेंस के अंदर कोई एनर्जी होती है, यानी हर सब्सटेंस के अंदर अपनी एक एनर्जी है। देन ही थिंक्स ऑफ समथिंग दैट हैज एसेंस, अगर कोई मैन सोच रहा है कुछ कुछ के बारे में कि उसके अंदर एक एसेंस है, एसेंस का मतलब हैज एक्चुअल बीइंग, उसकी एक अपना एक्चुअल आइडेंटिटी है, ही मस्ट थिंक ऑफ दैट एसेंस, तो वह सोच सकता है कि उस एसेंस का एज समथिंग एग्जिस्टिंग एज हैविंग समथिंग विच हैज अल्टीमेट्स, तो उसका कुछ अपना अल्टीमेट भी होगा। इस सब इन ये जो सारी चीजें हैं स्टार्टिंग में, सब बहुत कंफ्यूजिंग है, आगे चलेंगे तो सारी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। ही मस्ट थिंक्स इन ए सीरीज वेयर बाय कॉज एंटर्स इन टू इफेक्ट्स, वह एक सीरीज में सोच सकता है कि हर कारण जो हमारे शरीर में एंटर हो रहा है या हमारे आसपास हो रहा है, इनटू इफेक्ट, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर है, एंड फर्दर मोर इनटू ए सीरीज ऑफ इफेक्ट्स, और वो अपने आप को सीरीज ऑफ इफेक्ट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, यानी हर कारण का एक इफेक्ट होता है। इफ ही डू नॉट डू दिस ही डिस्ट्रॉयज द वेरी नेचर एंड आइडिया ऑफ इनफ्लक्स एंड कंटिन्यूएंस, अगर वह इफ ही डू नॉट डू दिस, अगर वह यह नहीं करता है तो वह डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा वो नेचर एंड आइडिया इनफ्लक्स एंड कंटिन्यूएंस का, यानी कारण का कॉज मतलब कारण और इफेक्ट मतलब उसका प्रभाव, कारण का प्रभाव और इन्फ्लक्स और कंटिन्यूएशन, इन्फ्लक्स का मतलब कारण आना, कंटिन्यूएंस मतलब उसका इफेक्ट होना, उस आइडिया को खत्म कर देगा। इफ मैन डज नॉट नो वॉट इज कंटिन्यूअस, अगर मैन को पता नहीं है कि क्या लगातार होता है, इफ ही डज नॉट रियलाइज दैट, अगर वो उस चीज को रियलाइज नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, देयर आर बिगनिंग्स, किसी चीज की शुरुआत होती है, जैसे हमारी भी शुरुआत हुई, हमारा जन्म हुआ, इंटरमीडिएट, हमने एक इंटरमीडिएट बीच की लाइफ जी, एंड एंड फिर हमारी डेथ हुई।
ही कैन नॉट थिंक, तो वह सोच नहीं सकता, फॉर वेरी फाउंडेशन ऑफ थॉट इज डिस्ट्रॉय, क्योंकि उसके जो थॉट्स हैं उसका फाउंडेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। यानी हर चीज़ की एक शुरुआत होती है, एक इंटरमीडिएट होता है और एक एंड होता है। यानी हर चीज़ का एक कारण होता है और उस कारण का एक प्रभाव होता है। वॉट डू वी मीन बाय इन्फ्लक्स? अब यहाँ पे इन्फ्लक्स का क्या मतलब है? एज ए ब्रॉड एंड सब्सटैंशियल इलस्ट्रेशन, लेट अस थिंक ऑफ ए चेन। अब हम एक ब्रॉड वे में इसको एक चेन की तरह समझते हैं। चेन क्या है? वॉट इज इट दैट होल्ड्स द लास्ट लिंक ऑफ ए चेन? एक चेन को कंसिडर करिए, सोचिए, एक चेन की इमेज बनाइए। तो ऐसा क्या है चेन के अंदर जो उसको होल्ड कर रहा है? ऐसा लास्ट लिंक क्या है चेन में जो पूरी चेन को होल्ड करता है? वॉट इज इट दैट होल्ड्स द लास्ट लिंक ऑफ ए चेन टू इट्स इन्वेस्टमेंट और फर्स्ट अटैचमेंट, फर्स्ट अटैचमेंट के या फर्स्ट अटैचमेंट के साथ? एट वंस वी विल से द इंटरमीडिएट लिंक्स। एकदम से हम कहेंगे कि बीच के जो इंटरमीडिएट लिंक हैं वो फर्स्ट और लास्ट जो चेन का एंड है उसको होल्ड कर रहे हैं। वॉट इज इट दैट कनेक्ट्स दैट लिंक? और वो क्या है जो इन लिंक्स को कनेक्ट कर रहा है? इट्स प्रीवियस लिंक, वो पहले का लिंक है। प्रीवियस मतलब पहले वाला। एंड सो ऑन टू द फर्स्ट लिंक, और इस तरह से वो फर्स्ट लिंक से कनेक्ट हो जाते हैं और इस तरह से वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। एंड इट्स अटैचमेंट। डू वी नॉट दिस सी दैट देयर इज वन कंटिन्यूअस डिपेंडेंस फ्रॉम द लास्ट टू द फर्स्ट हुक? तो क्या पे हमने एक चीज नहीं देखी कि एक कंटिन्यूअस, एक लगातार डिपेंडेंस है, डिपेंडेंट है ये लोग लास्ट से फर्स्ट हुक पे। मतलब लास्ट हुक और फर्स्ट हुक जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। वेयर एवर दैट चेन इज सेपरेटेड, इट इज एज मच सेपरेटेड एज पॉसिबल एंड देयर इज नो लॉन्गर इनफ्लक्स फ्रॉम वन लिंक टू द अनदर। अगर हम वेयर एवर, जहाँ से भी हम इस चेन को सेपरेट कर दें, तो ये सेपरेट हो जाएगी और कोई लॉन्गर, लंबे समय तक कोई इन्फ्लक्स नहीं होगा फर्स्ट लिंक का दूसरे लिंक के साथ। यानी हमने सारी चेन के बीच बीच में जो हमने जोड़ रखे थे उन सबको तोड़ दिया और सब अलग अलग हो गए, तो कोई भी इन्फ्लक्स नहीं है, कुछ भी स्टार्टिंग नहीं है, कुछ भी इंटरमीडिएट नहीं है, कुछ भी लास्ट नहीं है, सब सेपरेट हो गया। इन द सेम वे एज सून एज वी कमिंस टू थिंक ऑफ थिंग्स, इस तरीके से जब हम चीज़ों को सोचना शुरू करते हैं डिसकनेक्टेडली, अलग अलग तरीके से, जो डिसकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, वी लूज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देम। तो हम उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है उसकी पावर को लूज कर देते हैं। All things must be united or the series is broken and influx ceases. सभी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और अगर हम इस सीरीज को तोड़ते हैं तो जो इन्फ्लक्स है वो सीज हो जाता है, यानी रुक जाता है। Again, we see that man exists as to his body, but as yet we do not see all the finer purposes of his being. जैसे कि हम देखते हैं मैन जो है वो एग्जिस्ट करता है अपनी बॉडी की फॉर्म में, एज टू हिज बॉडी, अपनी बॉडी में, बट एज येट वी डू नॉट सी ऑल द फाइनर पर्पसेस ऑफ हिज बीइंग। पर फिर भी हम उसके सभी फाइनर पर्पसेस को, फाइनर मतलब सभी माइन्यूट चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। टू बिलीव दैट मैन एग्जिस्ट विदाउट ए कॉज, इस चीज़ को मानना कि इंसान जो है बिना कारण के इस दुनिया में है, टू बिलीव दैट हिज लाइफ फोर्स गोज ऑन फॉर ए वाइल एंड डज नॉट एग्जिस्ट फॉर फ्रॉम समथिंग प्रायर टू इट, यानी उसकी जो लाइफ फोर्स है वो ऐसी ही चली जा रही है कुछ समय के लिए, एंड डज नॉट एग्जिस्ट और नहीं एग्जिस्ट करेगी फ्रॉम समथिंग प्रायर टू इट, यानी उससे पहले भी कुछ था। टू थिंक दैट देयर इज नॉट कॉन्स्टेंटली, तो इसका मतलब कुछ भी कॉन्स्टेंट नहीं है, चीज़ें कॉन्स्टेंट नहीं है, एंड कंटिन्यूसली और कंटिन्यूस नहीं है, दैट इन्फ्लक्स फ्रॉम कॉज वेयर बाय ही कंटिन्यूज टू लिव, यानी जो इन्फ्लक्स है जिसका एक कारण है जो लगातार जी रहा है, demonstrates that the man who does so is an irrational being. ये demonstrate करता है कि man जो अब जीवित है वो एक irrational है। मतलब इसको सर ने ऐसे समझाया है कि मेरी body है, ठीक है, मेरे अंदर एक life force है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि life force जो है वो discontinuous है। सर का मतलब ये है जब हम मर जाते हैं तो ये life force जो है वो again एक नई body में enter करती है, और इस तरह से यानी life force जो है वो life after death, डेथ आफ्टर लाइफ,
इस तरह से कंटिन्यूअस आगे आगे बढ़ती चली जाती है और हमारा पुनर्जन्म होता चला जाता है। यहाँ पे सर का समझाने का ये मतलब है, यहाँ पे सर को, सर ने इस चीज को समझाया है कि आपकी फोर्स जो है वो लगातार ट्रेवल कर रही है, आपकी जो लाइफ फोर्स है, और आपका इस जीवन में, यानी आपका अगर जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर, तो देर इज ए पर्पस फॉर इट, आपका एक कारण है, एक वजह है, आप इस जीवन में, आप इस दुनिया में आए हैं। फ्रॉम हिज सेंसेस मैन हैज नेवर बीन एबल टू प्रूव दैट एनीथिंग कैन एग्जिस्ट एक्सेप्ट इट। हम अपने सेंसेस से ये देखेंगे कि कोई, और प्रूव कर देंगे कि कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, एक्सेप्ट इट दैट हैज कंटिन्यूटली फ्लोइंग इन टू ए दैट विच होल्ड्स इन इट्स कंटिन्यूएंस। यानी वही चीज केवल एग्जिस्ट करती है जो कॉन्टिन्यूस है, जो लगातार आगे बढ़ रही है। देन वाई शुड ही वेन ही गोज इन टू द इमेटीरियल वर्ल्ड एज्यूम दैट एनर्जी इज द फर्स्ट। तो फिर वो क्यों ये सोचता है जब वो मेटीरियल वर्ल्ड में जाता है कि एनर्जी पहले आई। वी शैल फाइंड बाय ए कंटिन्यूड एग्जामिनेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ सिंपल सब्सटेंस। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आता है कि सिंपल सब्सटेंस क्या है, दैट वी हैव सम रीजन फॉर सेइंग दैट एनर्जी इज नॉट एनर्जी पर से, बट दैट इट इज ए पावरफुल सब्सटेंस। एनर्जी जो है वो क्या है, वो एक पावरफुल सब्सटेंस है एंड इज एंडोर्ड फ्रॉम इंटेलिजेंस दैट इज ऑफ इटसेल्फ आ सब्सटेंस। और इसके अंदर एक अपनी इंटेलिजेंस होती है। अब सिंपल सब्सटेंस को, वाइटल फोर्स को, एनर्जी को, हर चीज को समझाऊंगी। यहाँ पे सर ने ये कहा है कि जो आपका सिंपल सब्सटेंस है वो भी इंटेलिजेंट है, उसके अंदर भी समझ है। जैसे एक फास्फोरस है, फास्फोरस के एटम्स का अलाइनमेंट अपनी तरह से होगा, डायमंड्स में एटम्स का अलाइनमेंट अपनी तरह से होगा, यानी डायमंड भी समझदार है, उसके एटम्स भी इंटेलिजेंट हैं, फास्फोरस के एटम्स भी इंटेलिजेंट हैं, किसी गैसेस के एटम्स भी इंटेलिजेंट हैं, यानी कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर जो अपना एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी लेके बन रहा है, उसके अंदर एक एनर्जी या फोर्स है जिसके अंदर इतनी समझ है कि वो अपने आप को उस रूप में रख सकती है। ठीक है। द मेटेरियलिस्टिक टू बी कंसिस्टेंट विद हिज प्रिंसिपल्स इज ओब्लाइज टू डिनाई द सोल। जो मेटेरियलिस्टिक लोग होते हैं वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि कोई सोल जैसी इस दुनिया में चीज है, एंड टू डिनाई अ सब्सटैंशियल गॉड, और ये कहते हैं कि कोई गॉड नहीं है, या देर इज नो गॉड इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज द एनर्जी विच ही ड्वेल्स अपॉन सो मच इज नथिंग एंड ही मस्ट एज्यूम दैट गॉड इज नथिंग। क्योंकि वो जो एनर्जी को मानते हैं वो कहते हैं वो